नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। आगामी माह के दिनों में यूपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम द्वारा जिले में लगातार अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। उसी क्रम के चलते आबकारी विभाग की टीम और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम घटवार में कबूतरा डेरा पर छापेमारी की, जिसमें अवैध शराब के कारोबारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक के कुशल निर्देशन में गिरिजेश कुमार अपर पुलिस अधीक्षक और सदर क्षेत्राधिकारी फूलचंद और प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अवैध शराब को बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध आबकारी निरीक्षक सदर मनीष कुमार और उप निरीक्षक कुलदीप कुमार सिंह एवं पुलिस कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त टीम से अभियान चलाया गया, जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक द्वारा ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए पीड़ितों को 10,65,000 रुपए उनके अकाउंट में वापस कराए गए। वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने और आम जनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक के कुशल निर्देशन में साइबर क्राइम सेल जनपद ललितपुर के टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुए साइबर अपराध से पीड़ित निम्नलिखित आवेदकों के कुल 10,65,000 रुपए वापस कराए गए। ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक ने सभी जनपद वासियों से विशेष अपील की है कि वे इन बातों का विशेष ध्यान रखें और ऑनलाइन होने वाली ठगी से इस प्रकार से बचें। लॉटरी टावर लगवाने, लोन दिलाने के लालच में न आए और न ही ऐसे कॉल पर किसी को रुपए जमा करें। किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपना UPI पिन डालें। अपने आधार नंबर को UIDI.government.in वेबसाइट पर जाकर लॉक अनलॉक करें। किसी भी वेबसाइट पर एवं गूगल में फीड कस्टमर केयर नंबर को भरोसा न करें। यदि किसी के साथ साइबर अपराध होता है तो तत्काल 155-260 अथवा 112 नंबर पर कॉल करें। इसकी शिकायत दर्ज कराएं एवं साइबर क्राइम सेल में संपर्क करें तथा 3 दिवस के अंदर इसकी सूचना अपने बैंक को दें। ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक एवं प्रभारी निरीक्षक गिरार द्वारा गिरार थाना क्षेत्र अंतर्गत मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर लगे वैरियरों को चेक किया गया तथा पोलिंग स्टेशनों का निरीक्षण किया गया और मजरों की स्थिति जानने हेतु जनता के लोगों से संवाद किया एवं संबंधित लोगों को आवश्यक आदेश निर्देश भी दिए गए। ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर और कोतवाली पुलिस द्वारा ग्राम घटवार कबूतरा डेरा पर दबिश दी गई, जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 700 लीटर अवैध शराब बरामद हुई तथा 5000 लीटर लहन मुखी परी नष्ट किया गया तथा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गई। तो वहीं पुलिस और आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने और बॉर्डर की चेकिंग के संबंध में ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक का क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है, इस तरफ लगातार जो है हम लोग प्रयासरत है। चुनाव के मद्देनजर न सिर्फ जनपद की अपनी फोर्स बल्कि बाहर से भी हम लोग को फोर्स मिलेगी। बाहर से मिलने वाली फोर्स में राज्य की फोर्स भी रहेगी एवं केंद्रीय पुलिस बल भी हम लोग को प्राप्त होगा। जो लगभग की संख्या है वो करीब 15,000 अप्रॉक्सीमेटली पुलिस बल जो है हम लोगों को मिलने की संभावना है। इस 15,000 में केंद्रीय और एवं राज्य पुलों का बल शामिल है। जी सर, क्रिटिकल जो पोलिंग बूथ हैं और बने हुए हैं उनमें क्या व्यवस्था है, कितने हैं? जनपद में विभिन्न मानक कारकों के आधार पर क्रिटिकल एवं वल्नरेबल पोलिंग बूथ का चिन्हीकरण किया गया है। जनपद में कुल 146 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जो कि क्रिटिकल या संवेदनशील माने गए हैं। इनकी संवेदनशीलता के विभिन्न कारण हैं। इन बूथों पर और इनके आसपास के क्षेत्रों पर विशेष सुरक्षा के दृष्टिगत नजर रहेगी। वहाँ पर जो फोर्स रहेगी वो अलग से रहेगी। इसके अलावा मेरे द्वारा एवं अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा उनको लगातार निरीक्षण करके वहाँ पर सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है। वहाँ के क्षेत्र के लोगों से बात की जा रही है।
वहाँ के प्रधान, वहाँ के चौकीदार एवं अन्य राज्य के कर्मचारी जो उस गांव में लगे हुए हैं उनको बुला करके क्षेत्र में क्या स्थिति है, वहाँ पर लोगों का क्या कैसा उनके मन में चुनाव के प्रति कितनी वो विश्वास है, उसको हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। सर, बॉर्डर चेकिंग के लिए बॉर्डर व्यवस्था क्या है जनपद में? क्योंकि हमारा जनपद कुल 7 मध्य प्रदेश के जिलों से हमारी सीमाएं लगती हैं, इसीलिए कुल 27 ऐसी जगह हम लोगों ने चिन्हित की हैं जहां पर कि बैरियर हम लोग लगाएंगे। इन सभी बैरियर की चेकिंग मेरे द्वारा की जा रही है। इसके अलावा वहां पर फोर्स लगा करके आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग उन चीज़ों की जा रही है जिनके बारे में उच्च अधिकारियों द्वारा एवं निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन चीज़ों की चेकिंग की जा रही है। ललितपुर शहर में देर शाम से ही शीतलहर के चलते देर रात तक घने कोहरे के बीच सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। जैसा कि आप सभी को बताते चलें कि विगत एक सप्ताह से लगातार घने कोहरे के बीच हाड़ कंपा देने वाली भीषण ठंड ने लोगों की दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दिया है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर जिला अस्पताल में मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में किया हंगामा और स्ट्रेचर तोड़ा। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही से इलाज करने का लगाया गंभीर आरोप। तो वही मौके पर पहुंचे तत्काल परिसर में स्थित पुलिस चौकी के पुलिस कर्मचारियों ने जैसे तैसे समझा बुझाकर परिजनों को कराया शांत। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। लेकिन आप उस टाइम पे आए थे? अरे हम आए थे, उसको बुला जो पहले था, आपके पहले था उसको बुलाओ। उसने क्यों नहीं कहा कि भाई को जान ले जाओ? नहीं, जब आपके पास कुछ है तो पहले क्यों नहीं कहते कि बाहर लेके जाओ यार। डालते एक नजर ललितपुर जिले के तहसील तालबेट क्षेत्र एवं पुराकला के ओर। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना तालबेट पुलिस ने एक अभियान डब्बू राजा उर्फ राव राजा पुत्र शिवराज सिंह ठाकुर उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी रामपुर थाना तालबेहट को एक देसी तमंचा 315 बोर और एक कारतूस सहित गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थानापुरा कला क्षेत्र अंतर्गत थानापुरा कला गांव निवासी 51 वर्षीय एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का नाम देवेंद्र कौशिक पुत्र सुकुनंदन कौशिक ने निवासी पुरा कला बताया गया है। थाना अध्यक्ष पुराकला राजकुमार यादव ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर जिला मुख्यालय भेजा और घटना के कारणों की जांच में जुटे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पुराकला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर थाना पुराकला प्रभारी राजकुमार यादव ने पुलिस बल के साथ यूपी एमपी बॉर्डर स्थित गुमटा घाट पुल पर चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान और उन्होंने 4 पहिया वाहनों को रोक कर की सघन चेकिंग। ललितपुर लाइव टीवी के लिए दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। आगामी माह में संपन्न होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ललितपुर जिले के थाना पुराकला इंचार्ज राजकुमार यादव ने पुलिस बल के साथ नगर में देर रात किया पैदल गश्त और सभी कस्बे वासियों से कोविड-19 की गाइडलाइन के साथ साथ आचार संहिता के पालन करने का अनुरोध किया। साथ ही पेट्रोल पंपों को भी चेक किया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पुराकला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना पुराकला इंचार्ज राजकुमार यादव ने पुलिस बल के साथ मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ अंतर्गत मोहनगढ़ थाने पहुंचकर मोहनगढ़ थाना प्रभारी से आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण वार्ता की गई और यूपी में चुनाव के मद्देनजर विशेष सहयोग का अनुरोध किया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पुराकला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट।